अंतिम द फाइनल ट्रुथ। सलमान खान और आयुष शर्मा दोनों मिलकर एक फिल्म में आ रहे हैं दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नन अदर देन महेश मांजरेकर, जो कि बिग बॉस मराठी के होस्ट हैं। महेश सर को पता है कि अपनी फिल्म को किस तरीके से उन्हें प्रमोट करना है, और अब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान एक अपने शेल में बंद गया और उसने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ही फिल्म करी और वो उससे बेहतरीन कर सकता है। आइए पूरी बात बताता हूँ। स्वागत है आपका भी वापस में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ऑफ कोर्स RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ पे मुझसे बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, अंतिम द फाइनल ट्रुथ के प्रमोशनल इंटरव्यूज चल रहे हैं, और उसी इंटरव्यू के दौरान महेश मांजरेकर साहब ने एक बड़ी बात बोल दी शाहरुख खान को लेकर। उनसे जब पूछा जाता है कि उन्हें बॉलीवुड में किस एक्टर का काम बेहतरीन लगता है, कौन सा एक्टर सही लगता है, ये सब बातें, वो कहते हैं मैं सलमान का नाम लेता लेकिन वो मेरे भाई जैसे और मैं उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। बट मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि शाहरुख खान ने अपने से कम उम्र वाले जो रोल करे, जिस तरीके से उन्होंने एक लवर बॉय की इमेज में अपने आप को ढाल लिया है, जो कि उनके पोटेंशियल से काफ़ी ज़्यादा कम है। शाहरुख बहुत अच्छा काम कर सकता है लेकिन वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक लवर बॉय की इमेज में बांध लिया है। आज यही काम रणवीर कपूर और रणवीर सिंह भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें और शाहरुख खान में फर्क क्या? मैं अपनी तरफ से मानूं तो रणवीर कपूर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है, रणवीर सिंह भी अच्छे काम करते हैं, लेकिन आयुष्मान खुराना इन सभी से जो है जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है। तो दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर शाहरुख खान के ऊपर टिप्पणी करी है अंतिम के डायरेक्टर ने। अब देखते हैं कि शाहरुख साहब का क्या रिएक्शन होता है, प्लस उनके फैंस का क्या होता है, क्योंकि फैंस तो बाप रे बाप, दे आर लाइक कि अगर उनके आइडल के खिलाफ बोल दिया तो कुछ ना कुछ तो बवाल होगा ही। ये एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। सो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना रिएक्शन बताओ और बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो फीफा फूड्स।